नमस्ते गाइस, आशीष ये पर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Redmi Note 9 के टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या आपको पता है कि आप फोन स्टार्ट करते वक्त एक साउंड डाल सकते हो? जी हाँ, पहले के फीचर फोन्स में ये होता था, लेकिन आजकल सब कुछ साइलेंट है। तो अगर आप चाहो तो एक अपने पसंद का बूट साउंड डाल सकते हो। क्या आपको पता है कि आप अपने फोन से एक वाईफाई प्रिंटर पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो? जी हाँ, ये फीचर भी अवेलेबल है Redmi Note 9 पे। क्या आपको पता है कि एप्लीकेशंस अपने फोन से किसी और फोन पे शेयर कर सकते हो? यानी कि अगर बहुत बड़ा गेम है जैसे पबजी या कोई भी एक बड़ा गेम है जिसको आपको दूसरे फोन पे ट्रांसफर करना है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल फाइल शेयरिंग कर दो। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं Redmi Note 9 के, तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन शुरू करने से पहले मेक श्योर करें कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले, जो बेल आइकन है उस पर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर दें। एक और चीज मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपने MIUI यूज किया हो, काफी सारे फीचर्स आपको पता हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो Redmi Note 9 ले रहे हैं उनके लिए फीचर्स बहुत ही यूजफुल होंगे, आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ ऐसे फीचर से जो कि बहुत अनोइंग है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्च करना है तो आपको स्वाइप अप करना होगा, और यहाँ पे सर्च तो आता नहीं बल्कि 72 तरीके के एड्स आ जाते हैं, न्यूज आ जाता है। भाई मुझे सर्च करना है, मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे आना था, न्यूज पे नहीं जाना था, बट MIUI ये दिखाता है। उसके अलावा जो इनका स्वाइप राइट फीचर है, जब आप होम स्क्रीन पे और जब स्वाइप राइट करते हो तो यहाँ पे और भी 36 तरीके के ऐप रिकमेंडेशन, न्यूज और पता नहीं क्या क्या है। बहुत लोगों को जरूरत नहीं होगी, उन लोगों के लिए फीचर ये कि आप डिसेबल कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाइए और फाइंड करिए होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे अगर आपको जो स्वाइप राइट वाला फीचर है जहाँ पे वो ऐप रिकमेंडेशन वगैरह दिखा रहा था, उसको अगर बंद करना है तो आप यहाँ पे टैप करिए, और यहाँ पे देख सकते हो आपका ऐप वॉल्ट सिलेक्टेड है। आप चाहे तो इसको गूगल डिस्कवर कर सकते हो, जो थोड़ा सा लेस अनोइंग है। तो अगर मैं गूगल डिस्कवर करता हूँ, स्वाइप राइट करता हूँ, तो थोड़ा सा बेटर आएगा, बट फिर भी काफी यूज है। आपको ये बिल्कुल अगर नहीं चाहिए तो वापस जाओ और यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लो। फिर अब जब आप यहाँ पे आओगे तो कोई आपको ऐप रिकमेंडेशन या न्यूज वगैरह नहीं दिखाएगा। अब रही बात इस सर्च वाले गेस्चर को कैसे बंद करें, तो हम जाते हैं वापस अपने सेटिंग्स पे होम स्क्रीन के, और यहाँ पे स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन टू ओपन सर्च, इसको आप कर दीजिए डिसेबल। जैसे ही आप इसको डिसेबल करोगे ये गेस्चर कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आप कैसे फाइंड करूं, वैसे तो आप पहले भी नहीं फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ जो गूगल का सर्च बार है इस पे आप टाइप करिए, फॉर एग्जांपल आपका नाम, मैंने किया पे, तो आ गया गूगल पे और एमआई पे का ऐप जो कि यहाँ फ्रॉम योर एप्स में से लिस्टेड है, तो आप सर्च कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। MIUI में आता है एक सिक्योरिटी नाम का ऐप जो कि करता तो सिक्योर है बट बहुत अनोइंग है। कोई ऐप इंस्टॉल करो और ये भाई साहब शुरू हो जाते हैं उसका चेकिंग करने, तो भैया नहीं चाहिए चेकिंग, ऑलरेडी मुझे पता है कि कहाँ पे क्या मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। तो आप सिक्योरिटी स्कैन में जाइए और यहाँ पे स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग, इसको बंद कर दीजिए। अनलेस एंड अनटिल आप कहीं थर्ड पार्टी एपीके साइट से आप डाउनलोड कर रहे हो, इसको आप बंद कर दीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में चलता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि ये एड भी दिखाता है, तो वो भी चला जाएगा। और एक आता है यहाँ पे रिसीव रिकमेंडेशन, जो कि बेसिकली हर जगह ऐड दिखाने के लिए पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है, तो आप चाहो तो उसको भी बंद कर दो। तो आप जब एप्लीकेशंस खोलोगे तो थोड़े से एड्स कम हो जाएंगे। Redmi Note 9 में बहुत सारे एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जो कि नहीं चाहिए, जगह जबरदस्ती घेरते हैं, तो आप उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो आप सिक्योरिटी का ऐप वापस खोलिए और यहाँ पे जाइए मैनेज एप्स के सेक्शन में, और यहाँ पे जाइए अनइंस्टॉल में। इस जगह का फायदा इतना ही है कि आपको सारे एप्लीकेशन मल्टी वेज से सिलेक्ट करने देता है और आप इसको तुरंत अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डस्ट सटल है, उसके बाद यहाँ पे बबल स्टोरी है, नहीं चाहिए जिली है, नहीं चाहिए क्रेजी यूजर है, नहीं चाहिए, इन सबको वो अनइंस्टॉल कर सकता है एक शॉट। एक जो लास्ट और मैं बता देता हूँ, एक प्राइवेसी की सेटिंग है जो कि थोड़ा सा ऐड को और फर्दर मिनिमाइज कर सकती है। तो आप अपने सेटिंग्स पे जाइए और खोजिए प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंदर एड्स में जाइए और यहाँ पे ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन। इससे फायदा इतना ही होगा आपको कि मान लीजिए आपने कुछ नेट पर सर्च करा तो उसका एड यहाँ पे नहीं दिखेगा, as simple as that। अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इसके इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने इंट्रो में भी कहा था। तो पहला है कि एप्लीकेशन शेयर कैसे करें।
तो मान लीजिए कुछ ऐसा ऐप है जो कि सामने वाले के पास नहीं है और नेट से इंस्टॉल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, उस ऐप पे लॉन्ग प्रेस करिए, ये शेयर का आइकन आएगा, इस पे टैप करिए और यहाँ पे आप शेयर मी या MI शेयर को यूज करके उस एप्लीकेशन को पूरा का पूरा शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एक नंबर पे मिलाता हूँ कॉल और ये चालू हो गया कॉल, हालांकि इनवैलिड नंबर है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। आप जैसे ही इसको रिकॉर्ड पे दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा कॉल कनेक्ट होने पर। अब आप ये सोच रहे होगे कि कॉल रिकॉर्डिंग होता कहाँ पे ऐसे, तो बहुत सिंपल है, सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली पे जाइए। यहाँ पे आपके पास कई फीचर्स हैं जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑन कर देना, तो इससे फायदा ये होगा कि जितने आपके नंबर्स हैं सारे के सारे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते जाएंगे जैसे ही कॉल आएगा, नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप चाहते हो कि सिर्फ सिलेक्टेड नंबर पे हो तो सिलेक्टेड नंबर्स पे जाइए, एक अपना लिस्ट बनाइए या अनवांटेड नंबर्स और डायरेक्टरी के लिए आप उसको रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहीं से आती है। अब अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो पहली बात तो ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप वहां जाके सुन सकते हो। दूसरा, आप रिकॉर्डेड कॉल्स सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ और वहां पे सारे कॉल्स जो रिकॉर्डेड है विद डेट एंड टाइम। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या फोटो को प्रिंट कर सकते हो, तो करना कुछ नहीं है, आप गैलरी में जाओ, एक फोटो सेलेक्ट करो, सेंड पे जाओ और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको एक प्रिंटर का आइकन आएगा, आप उस पर टैप करो। अब अगर आपका प्रिंटर जो है वो वाईफाई पे कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंटर कर सकते हो, उस प्रिंटर को वाईफाई पे खोज सकते हो और वहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, ऐसा नहीं कि बोरिंग है बट जो लोग नए हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। तो आप अपना सेटिंग्स खोलिए और हम देखेंगे लॉक स्क्रीन को, कस्टमाइजेशन का सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो पहला चीज़ आपको करना है कि आप ग्लांस फॉर MI में जाइए। ग्लांस फॉर MI बेसिकली आपको वॉलपेपर, नए वॉलपेपर एवरी टाइम यू प्रेस द लॉक स्क्रीन, जैसे ही आप लॉक स्क्रीन का बटन दबाते हो यानी कि फोन को लॉक करते हो और जैसे ही ऑन करते हो तो आप देख सकते हो नया वॉलपेपर आ रहा है। तो जैसे ही अपना फोन लॉक करोगे और वापस अनलॉक के लिए दबाओगे, फिर लॉक करता हूँ, फिर अनलॉक करता हूँ, तो आप देख सकते हो एवरी टाइम जैसे ही आप बार बार लॉक अनलॉक करोगे एक नया वॉलपेपर आता है। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप उसको जरूर यूज करो। ग्लांस फॉर MI में आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको पेट्स के बहुत पसंद है तो आप वो यूज कर लो, म्यूजिक के पसंद है वो यूज कर लो, बिजनेस चाहिए वो यूज कर लो, काफी सारे ऑप्शन है, अपडेट करते रहिए, वाईफाई पे अपडेट है, फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो। कई बार होता है कि आप एक बिजनेस मीटिंग में हो या यूजुअली रिंगर्स ऑफ रखते हो, आप नहीं चाहते कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस हो नोटिफिकेशन से खास करके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो नोटिफिकेशन तुरंत दिखे जैसे ही अपना फोन उठाएं तो आप यूज करिए रेस टू वेक, जैसे ही आप फोन उठाओगे लॉक स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। फिर आपके पास डबल टैप स्क्रीन टू वेक, यानी कि फोन लॉक है, डबल टैप किया और ये स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा, जैसे डबल टैप करोगे वैसे बंद भी हो जाएगा। और एक फीचर है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बंद कर दो, वो है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। कई बार होता है आपने फोन अपने बेड पे रखा, आप सो रहे हो, अचानक से लगा कि काफी रोशनी हो गई, वो कारण है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस के कारण। इसको बंद कर दो ताकि ये बार बार कोई नोटिफिकेशन आने पे फोन को लाइट अप ना करे। नेक्स्ट चलते हैं होम स्क्रीन पे, वहां पे एक फीचर है जो कि सबको यूज करना चाहिए, वो है ब्लर ऐप रिव्यूज, प्राइवेसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं कि आप तो कुछ पढ़ रहे हो और पीछे से आके देखना शुरू कर दिया, या आप ऐप स्विच कर रहे हो और व्हाट्सएप के प्राइवेट मैसेजेस देखने शुरू हो गए, तो आप इसको ब्लर ऐप रिव्यूज से रोक सकते हो। कैमरा तो ऑफकोर्स है ही यहाँ पे, उसके अलावा आप चाहो तो दूसरे एप्लीकेशन जैसे सोशल मैसेंजर हो गए, व्हाट्सएप हो गए, उस तरह की चीज़ों को आप डिसेबल कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप के लिए आपने यहाँ इनेबल कर दिया, अब मैं खोलता हूँ अपना व्हाट्सएप का मैसेज, काफ़ी सारे प्राइवेट मैसेज है, मैं नहीं दिखाना चाहता। जब आप जाओगे मल्टीटास्किंग में तो आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो हिडन है और काफ़ी बढ़िया तरह से हिडन है। होम स्क्रीन पर ही आपको मिलता है एक ऑप्शन कि आप अपना मेमोरी देख सको कि कितना GB RAM यूज हुआ, अगर आपको लगता है कि आपको देखना है वो तो आप वो देख सकते हो। मल्टीटास्किंग में जाओ और यहाँ देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कितना GB मेमोरी यूज हो रहा है और कितना आपका टोटल है। Redmi Note 9 में वैसे तो कोई ऐप ड्रॉअर आता नहीं, लेकिन सपोर्ट करता है, लेकिन आप उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आप होम स्क्रीन के सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा होम स्क्रीन का ऑप्शन जहाँ पे रेगुलर सेलेक्टेड है, आप सेलेक्ट करो विद ऐप ड्रॉअर। जैसे ही ओके करोगे
अब यहाँ पे आप फर्दर सेलेक्ट कर सकते हो कि ऐप ड्रॉअर का आपको बैकग्राउंड क्या है, स्क्रॉल करने पे क्या होगा, इस तरह की कुछ सेटिंग सजेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओ और आ गए आप यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ और नहीं दिखा रहा है, कुछ गिने चुने ऐप्स दिखा रहा है जो कि ये सारे सिस्टम्स ऐप हैं। लेकिन अगर आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो और ये नीचे है जो कि टाइपिंग में काफ़ी सुविधा देता है। उसके अलावा सॉर्टेड है एप्लीकेशन। एक फीचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था वो था कि बूट साउंड आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे? तो वो आपके थीम्स वाले सेक्शन से हो सकता है। तो आप थीम्स में जाओ और यहाँ पे अपने आइकन वाले पे सेलेक्ट करो, साइन इन कर सकते हो अगर आपको कस्टमाइजेशन सेव करना है। और यहाँ आपको मिलेगा कस्टमाइज थीम। आप कस्टमाइज थीम पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलता है बूट ऑडियो का ऑप्शन। यहाँ देख सकते हो कि ऐसे तो बाय डिफॉल्ट जब आप ऑन करते हो तो कोई साउंड नहीं होता है। आजकल थोड़ा प्राइवेसी के चक्कर में आप बोल सकते हो कि भाई नहीं बताना कि फ़ोन ऑन ऑफ कर रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हो वो वाला मेथड वापस आ जाए तो आप यहाँ से कोई भी रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ प्लस दबा के फाइल मैनेजर यूज़ करके या म्यूज़िक का एप्लीकेशन या रिकॉर्डर को यूज़ करके आप एक ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो जो कि स्टार्ट होगा आपके फ़ोन के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे हिसाब से 15-16 टिप्स तो देख ही लिए हैं। अभी तक आपको कैसे लगे ये सारे टिप्स? अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर करें कि थम्स अप जरूर दबा दें। और हमारे पास आगे क्या आने वाला है कि आप गेस्चर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपको जो नेविगेशन बार है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। कई बार होता है कि आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन तभी आए जब आप फोन अनलॉक करो। इस केस में डेटा बंद करना सबसे अच्छा रहेगा और ये ऑटोमेटिक हो सकता है। जानने के लिए आखिर तक देखते रहें। और हाँ, फ्लोटिंग कैलकुलेटर के बारे में तो बताना भूल ही गया। ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली फ्लोट होगा, कैलकुलेशंस नीचे रहेंगे और आप साथ ही साथ बिना आप स्विच के कैलकुलेशन कर। बहुत लोगों का फेवरेट है डार्क मोड और आप डार्क मोड को शेड्यूल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको दिन में लगता है कि भाई दिन में आई वॉन्ट वाइट और रात को चाहिए डार्क, तो आप वो कर सकते हो। डिस्प्ले में जाइए, डार्क मोड में जाइए। यहाँ पे एक तो आप परमानेंट ऑन कर सकते हो डार्क मोड या शेड्यूल कर सकते हो। और यहाँ पे शेड्यूल ऑन कर दीजिए, शाम को 7 बजे के बाद डार्क मोड शुरू हो जाएगा और सुबह 7 बजे बंद हो जाएगा। प्रेफर्ड टाइमिंग आप शेड्यूल कर सकते हो। सिस्टम फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन आपको फॉन्ट हो सकता है फ्री में ना मिले, खरीदना पड़ सकता है, लेकिन ऑप्शन है। ये माई फॉन्ट्स में जाएंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये फॉन्ट पसंद है, इसको आप सेलेक्ट करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे फ्री, बहुत सारे प्रीमियम, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आप चाहते हो तो उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लो। और एक ऑप्शन है टेक्स्ट साइज, जो कि बहुत यूजफुल है कि अगर आपको फॉन्ट्स फोन पे छोटे लगते हो तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। उससे आपको फायदा यही होगा कि देखने में ईजीनेस आ जाएगी। हालांकि ये फ़ोन फुल स्क्रीन में बहुत अमेजिंग लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है ये कैमरा थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा है तो आप नॉच एंड स्टेटस बार में जाके चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो हाइट नॉच कर सकते हो और ये तीनों में से कोई भी एक सेटिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हाइट नॉच विदाउट स्टेटस बार, और एक लास्ट ऑप्शन है कि हाइड एंड मूव स्टेटस बार, तो ये ऊपर का नॉच दिखने लग जाएगा। मेरा प्रेफरेंस है कि आप इसको हाइड मत करो, फुल स्क्रीन का व्यू बहुत अमेजिंग लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि नॉच एंड इंडिविजुअल ऐप्स। अगर आप चाहते हो कि ये नॉच कुछ एप्लीकेशंस पे दिखे और कुछ एप्लीकेशंस पे ना दिखे, तो आप वो कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ आप ट्रस्ट कर सकते हो कि एप्लीकेशंस फ़ोन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे, बट फिर भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम चलते हैं पासवर्ड एंड रिकवरी की। हालांकि इसका डिटेल्ड वीडियोस हम बनाएंगे, लेकिन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हो, फेस से अनलॉक कर सकते हो, ब्लूटूथ से अनलॉक कर सकते हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड भी है आपके पास। और जैसे कि मैं फेस अनलॉक में जाता हूँ, पैटर्न ड्रॉ करके अंदर जाता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप चाहते हो कि फेस से अनलॉक ना हो तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आपको दिखे टोटल जैसे ही आपने फेस से अनलॉक किया, वो भी पॉसिबल है। सिमिलरली फिंगरप्रिंट पे अगर आप जाते हो और पैटर्न यहाँ पे एंटर करते हो, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि फिंगरप्रिंट क्या चीज़ के लिए यूज़ होगा, स्पेसिफिकली ऐप लॉकेशन के लिए। यस, ऐप लॉक सपोर्ट करता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चलते हैं ऐप सेक्शन में। ऐप सेक्शन में आपको मिलता है ऐप लॉक, जो कि स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो यहाँ पे जरूर आएगा। तो मान लीजिए यूट्यूब को मुझे ऐप को लॉक रखना है, यानी कि विदाउट फिंगरप्रिंट या विदाउट पैटर्न न खुले। उसके अलावा एक एडिशनल ऑप्शन है जो कि बेटर है मेरे हिसाब से, यानी कि हिडन ऐप्स। आप पबजी बहुत खेलते हो, क्लैश रॉयल बहुत खेलते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत खेलते हो, उन एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हो
और हाइड करने के बाद भी फाइंड करने का तरीका बहुत मस्त है। तो आप एक बार हाइड कर दो, कॉल ऑफ ड्यूटी हाइड हो गया, अब वो आपको दिखेगा नहीं। अब आप होम स्क्रीन पे जाओगे, ऐसे पंच इन करोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न या फेस अनलॉक यूज़ करने को बोलेगा और आपने जो एप्लीकेशन हाइड किया था वो यहाँ पे ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एप्लीकेशन को हाइड करके रखिएगा लॉक के अलावा, क्योंकि आप जब हाइड कर देते हो तो यहाँ पे जब आप सर्च करते हो तो भी वो एप्लीकेशन नहीं मिलता। लॉक करने से एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि गेम आपके फ़ोन पर है। अगर आप एप्लीकेशन को डुप्लीकेट करना चाहते हो, यानी कि व्हाट्सएप के दो कॉपी, फेसबुक के दो कॉपी, आजकल लोगों के पास बहुत अकाउंट्स होते हैं और उसी जगह ये काम आता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्यूअल ऐप सपोर्ट क्या क्या चीज़ के लिए अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे एप्लीकेशंस पे काम करता है, बट पॉपुलर जो है वो अवेलेबल है। आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया भाई इसको डुप्लीकेट कर दो तो वो डुप्लीकेट करता है, टर्न ऑन कर दो गूगल सर्विसेज को और अब ये ड्यूअल कॉपी बना रहा है। अब आप जब होम स्क्रीन पे जाओगे तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप की एक और कॉपी अवेलेबल है और एक कॉपी तो मैंने आपको बताया ही था। अब मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे सर्च करो व्हाट्सएप और आपको मिलेगा दो कॉपी। दोस्तों अब चलते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे कॉन्फिगर कर सकते हो कि इंटरनेट ना यूज़ हो जब आप लॉक करके रखा हो। तो यहाँ देखिए टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। इससे फ़ायदा इतना ही होगा कि अगर आप सिर्फ मोबाइल डेटा पे रहते हो लॉक स्क्रीन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर कॉल्स। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपना फ़ोन बंद करके सोते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है तो सुबह सुबह फ़ोन ऑन करना अगर आप भूल जा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को एक सेकंड में सॉल्व करिए। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ में जाइए और यहाँ पे पावर ऑन टाइम, पावर ऑफ टाइम दोनों कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन के मर्जी के हिसाब से बंद करेंगे, पावर ऑफ स्किप कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ रैंडम फीचर्स की। पहला है 100 फोन। आजकल फोन सारे बड़े बड़े हो गए, छोटा फोन कोई लॉन्च ही नहीं करता। उस केस में आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो 4.5 इंच, 4 इंच या 3.5 इंच का स्क्रीन, जो कि आप चाय पीते पीते एक हैंड से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गेस्चर्स की। तो आप चलिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले में और यहाँ पे आप चाहो तो बटन्स की जगह आप यूज कर सकते हो फुल स्क्रीन गेस्चर। तो मैं नॉट नाउ कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि बटन्स हो गए गायब। तो आप बैक कैसे जाओगे, तो आप इसको पुल करिए आप बैक चले जाते हो। उसी तरह से इसको आप होल्ड करके रखोगे तो मल्टीटास्किंग में चले जाते हो। गेस्चर एक बार आपने यूज कर लिया तो ये गारंटी है कि आप इसी पे स्टिक करोगे। सेटिंग्स में ही आपको मिलेगा गेम टर्बो। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी गेमिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैं श्योर हूँ कि अगर आप गेमिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप कॉन्फिगर इसको ज़रूर कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो। आप यहाँ देख सकते हो कि इन गेम शॉर्टकट इनेबल हो सकता है, होम पेज ओरिएंटेशन सेटअप कर सकते हो, हर एक गेम के हिसाब से मेमोरी एक्सेप्शन कर सकते हो, एंड फ्री कॉल्स कर सकते हो, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट बटन्स एंड गेस्चर तक ये आपका गेम स्पॉइल ना हो। तो दोस्तों इस तरह का सेटिंग हर गेम के लिए आप कॉन्फिगर कर सकते हो, तो आप ये ज़रूर करो अगर आप गेम बहुत खेलते हो तो। अब हम बात करते हैं लाइट मोड की। अगर आपने ये सीनियर सिटीजन जैसे लोगों के लिए ये फ़ोन लिया है तो आप इनेबल कर दो लाइट मोड। इसको करने से होगा ये कि आपके फ़ोन पे सब कुछ बड़ा हो जाएगा और आप देख सकते हो कितना इजी है देखना, ऐसा लगता है कि पूरा जूम इन हो गया हो। तो ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है आपके पेरेंट्स के लिए और वो क्लियरली छोटे टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं। अब लास्ट टिप की बात करता हूँ जो आपको मैंने बताया था। तो आप खोजिए अपने फोन में कैलकुलेटर। दोस्तों कई बार होता है कि व्हाट्सएप में आपको बहुत सारे पेमेंट्स के मैसेज आते हैं और आप उनको कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप स्विच करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एमआई कैलकुलेटर में एक आता है फ्लोटिंग मोड जो कि टॉप में अवेलेबल है। एक बार आपने उसको टैप कर दिया, अब आप चाहे तो अपना कोई भी शीट खोल लें और यहाँ पे अब ये आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो और नीचे उस एप्लीकेशन को देख सकते हो जहाँ पे सारा कैलकुलेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे Redmi Note 9 के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपकी तरह और भी लोग Redmi Note 9 ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो लास्ट में अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलें, थम्स अप जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फैला दें। देखने के लिए धन्यवाद।